किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो आज के इस वीडियो में कहां से आ रही हैं आपके लिए अच्छी खबर, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी खबर आपके लिए होने वाली है आने वाले टाइम में। लेकिन आज के आलू के भाव के बारे में तो हम बात करने वाले हैं आपसे। उसके साथ साथ किसान भाइयों, अभी अगर कोल्ड की बात कर लें तो कोल्ड में कुछ जगह आलू के सौदे हुए हैं और गाड़ियाँ भी जाना शुरू हो चुकी हैं, चाहे एक गाड़ी जा रही है या दो गाड़ी जा रही हैं, यानी चाहे दो दिन में एक गाड़ी जा रही हो, लेकिन गाड़ी अगर कोल्ड से जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कोल्ड की ओपनिंग शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो केवल 2-3% ही कोल्ड में ओपनिंग हुई है, ज़्यादातर कोल्ड में अभी ओपनिंग नहीं हुई है। अब कोल्ड का जो आलू वो क्या रेट बिक रहा है, तो देखिए हाईवेड का अनुमान था हमारा 500 से ऊपर सौदे होने चाहिए और ये बिल्कुल सच बात भी हो गई है। कल या परसों की वीडियो हमने बोला भी था कि मैं तो ये चाह रहा हूँ हाईवेड का आलू का रेट 500 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए कोल्ड में 125 रुपये तक के सौदा हुए हैं हाईवेड के। और अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम तुम्हारे 37-97 आलू की। तो 37-97 का है 600 रुपये के आसपास, 601-2-5 जो कुछ है 600 रुपये के आसपास सौदा हो गए आपके बढ़िया क्वालिटी के आलू के 37-97 के कोल्ड से। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। तो आने वाले टाइम में हर जगह के कोल्ड भी धीरे धीरे खुल जाएंगे 10-5 दिन में, या जैसे जो जो जहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। अभी फिलहाल डंप का भी आलू है बाजार में, तो डंप का भी आलू किसान भाई काफ़ी बेच रहे हैं जिससे उनको भी फायदा मिल रहा है, और कोल्ड में जो किसान जरूरत के हिसाब से बेचना चाह रहे हैं उनको भी फायदा मिल रहा है। तो अभी जो कोल्ड से आलू बेचा जा रहा है वो आलू है जो किसान खेत पर 300 रुपये पैकेट बेचना चाह रहे थे, लेकिन आज उनके कोल्ड में अगर 550-550 रुपये या 600 रुपये के सौदा हो रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि इसमें से कुछ आलू बेच दूँ, क्योंकि वो खेत पर नहीं बेच पाए आलू को और उनको ज़रूरत थी। बात समझने वाली बात यह है कि उनको रुपये की ज़रूरत थी और खेत पर आलू कोई लेने वाला नहीं था, तो इस वजह से वो कोल्ड में भी आलू को जल्दी बेच रहे हैं। और देखिए हम तो ये कहते हैं आलू में हर भाव में आपको पैसा लेना चाहिए। अगर आप आलू के रेट 600 के भी लेने की गुंजाइश रखोगे तो 1000 भी ले सकते हो, सीधी बात तो ये है। तो आज के आलू के भाव के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए जो अच्छी खबर आई है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, और वो खबर सुनते ही आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले हम आलू के भाव के बारे में बात करेंगे। तो आज अगर मैं पानीपत हरियाणा मंडी की बात कर लूँ, तो पानीपत में किसान भाइयों चिप्सोन आलू में लगभग 20 रुपए की आज फिर तेजी देखने को मिली है। चिप्सोन आलू 500 से लेकर 570 रुपए पैकेट बिका है, और हॉलैंड आलू बिका 450 से लेकर 500 रुपए पैकेट, और पुखराज बिका 270 से लेकर 300 रुपए पैकेट, 380 रुपए पैकेट सॉरी। तो 50 किलो की तोला है किसान भाई। हॉलैंड आलू में भी 20 रुपए की तेजी है, पुखराज आलू एक सा ही रेट है, कल वाला ही रेट है, मतलब आप ये मान सकते हो। और किसान भाई देखिए एक और आपके लिए कुछ थोड़ी प्रॉब्लम वाली खबर ये है कि बाराबंकी में जो आलू 1000 पार गया था वो दोबारा से 1000 के नीचे आ चुका है आलू। अब आप समझ सकते हो कि लगभग 950 रुपये के आसपास आप मान सकते हो, 950 रुपये 960-970 रुपये तक ही रेट आ चुका है आलू का बाराबंकी में, सिंदूरी राजेंद्र वन आलू का सॉरी, ठीक है। राजेंद्र वन आलू में थोड़ी आज गिरावट देखने को मिली है। अब वो गिरावट किस कारण है इसका भी अनुमान नहीं लगाया गया, लेकिन हाँ गिरावट आज के आलू में है और राजेंद्र वन आलू में तुम्हारे बाराबंकी में, तो जबकि कल ये आपका 1000 भी पार कर चुका था, लेकिन अब 1000 के नीचे आ चुका है। किसान भाइयों देखिए हमारा काम है आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन देना और तुरंत बताना क्या माहौल चल रहा है अभी। तो बाराबंकी के आलू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हालांकि बाराबंकी में देखिए अब ये वो वाला हिसाब है कि आलू हमारा 2000 रुपये पैकेट बिके जाए, उसके बाद अगर 1500 रुपये पैकेट बिके या 1800 रुपये पैकेट बिके तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत मंदा आ गया। मंदा कुछ नहीं है, पहले की अपेक्षा देखोगे तो अभी भी बहुत तेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं कि हर भाव में आलू बेचना चाहिए, कुछ भी हो सकता है भैया आलू है ये, ठीक है। तो और लूज आलू किसान भाई उससे लगभग 800 रुपये सस्ता रहता है, लगभग 850 रुपये 950 रुपये के आसपास लूज आलू है जो डंप का है। गड्ढा आलू बिक रहा है वहाँ पे छटाई नहीं होती आलू की, सीधी गड्ढा आलू का रेट बता रहा हूँ मैं बाराबंकी में, जो 950 रुपये के आसपास आ चुका है। गड्ढा आलू है बिल्कुल, गड्ढा आलू हमारे यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया पड़ रहे हैं वो लोग। तो अब किसान भाइयों बात कर रहा हूँ मैं फरुखाबाद की। तो फरुखाबाद में आज लगभग 50-60 मोटर हैं, यानी 55 मोटर के आसपास हैं, और हाईवेड बिकाया है 700 से लेकर 780 रुपये पैकेट, और तुम्हारा चेचक वाला बिका जो नेवल क्वालिटी का होता है 550 से लेकर 625 रुपये पैकेट, और 37-97 बिका 750 से लेकर 800 रुपये पैकेट ये बिका है। क्योंकि किसान भाइयों ये देखिए फरुखाबाद में जो आलू का रेट मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल नंगा आलू है, मतलब इसमें बारदाने से लेकर जो कुछ है वो व्यापारी को लगाना होता है, इनका कुछ नहीं, किसान का बिल्कुल नंगा आलू है और बहुत बढ़िया आलू बिक रहा है यहाँ पे भी। और मैसूर मंडी की बात करूँ तो मैसूर में लगभग आगरा का 5 गाड़ी पहुंची है आगरा की मैसूर मंडी में, और 1200 से लेकर 1400 रुपये क्विंटल वहाँ पे बिका है, बहुत अच्छा वहाँ पे रेट मिल रहा है किसान भाइयों के लिए। और अब बात करते हैं किसान भाइयों बंगाल के बारे में। तो बंगाल के मेदिनापुर में आज ज्योति आलू बिका है 1100 से लेकर 1130 रुपये पैकेट, और K22 आलू बिका है
₹1300 पैकेट। तो यहाँ पे भी बंगाल के मिदनापुर में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये ज्योति आलू आपको कुछ टाइम पहले लगभग 3-4 दिन पहले ये लगभग 800-900 रुपये क्विंटल था, आज ये आलू 1120-1130 रुपये क्विंटल पहुँच चुका है। अब बात करते हैं किसान भाइयों असम के बारे में। तो असम में लगभग 1600 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। तो असम के लिए जो व्यापारी लोडिंग कर रहे हैं अगर वो 1200 रुपये भी अगर आलू को वहाँ बेच देंगे असम में तो भी अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सकते हैं तुम्हारे बंगाल के लोग जो कुछ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी में आज 135 गाड़ी हैं जो कि इसमें लगभग 30-35 गाड़ी बैलेंस बताया जा रहा है। और संभल का लगभग 45 गाड़ी पुखराज पहुँचा है, आज 40-45 गाड़ी पहुँच रहा है डेली, लगभग कभी 35 हो जाती है कभी 45, इतनी गाड़ी चल रही है। और पुखराज में कहा 400 से लेकर 450 रुपये पैकेट। और शमशाबाद में शमशाबाद का 302 हो या 3793 हो ये बिकाया आपका 500 से लेकर 550 रुपये पैकेट। VIP क्वालिटी का 550 रुपये तक है। अब देखिए 550 रुपये तक इसलिए बिकता है कि वहाँ की जो क्वालिटी आती है बहुत ज़्यादा सुपर क्वालिटी का आलू आता है। और LR बिका 450 से लेके 450 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी का LR बिका है। चिप्सोना बिका है 500 से लेके 550 रुपये। और तुम्हारे अलीगढ़ वगैरह का जो 3793 वो बिका है 500 रुपये 550 रुपये तक लास्ट बढ़िया क्वालिटी का। और सूर्या बिका है 650 से लेके 750 रुपये पैकेट VIP क्वालिटी का। और VIP क्वालिटी सूर्या तो वो 10-20 रुपये और भी ऊपर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों तमिलनाडु की मेट्रोपालम मंडी की। आगरा का लगभग बिका है 500 से लेकर 550 रुपये पैकेट जो कि 45 किलो की तौल में बिकता है वहाँ पे। गुजरात का बिका 600 से लेकर 650 रुपये 45 किलो की तौल है। ऊटी का बिका है 800 से लेकर 1170 रुपये 45 किलो की तौल में, ऊटी का 1170 रुपये पैकेट तक बिका है, बहुत अच्छी बात है। इंदौर का बिका है 800 से लेकर 900 रुपये पैकेट 45 किलो की तौल में। कोलार का कोल्ड का आलू बिका है वहाँ पे 600 से लेकर 800 रुपये पैकेट। और डिमडिम का बिका 350 से लेकर 600 रुपये पैकेट 45 किलो की तौल में। अब बात करते हैं किसान भाइयों लास्ट मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी की बात करें यूपी की, लगभग आज कोल्ड की 3 गाड़ी पहुंची है जो कि 10 रुपये किलो से लेकर और 13 रुपये किलो बिका है। और खेत का जो आलू पहुंच रहा है डंप वाला आपका आगरा से वो बिका 10 से लेकर 13 रुपये किलो। और चेचक वाला जो आलू है थोड़ी दागी दुगी जो आलू होता है यूपी का वो बिका 6 से 8 रुपये किलो। और हाईवेड बिका पीली काट का आपका आगरा वाला 9 से लेकर 10 रुपये किलो। और गुजरात का लॉकर बिका 16 से लेकर 17 रुपये किलो। और गुजरात का और मध्य प्रदेश का लॉकर बिका है 16 से लेकर 17 रुपये किलो। और MP का ज्योति बिका है 13 से लेकर 15 रुपये किलो। और यहाँ पे LR बिका है बेफरफास मध्य प्रदेश का लगभग 17 से लेकर 19 रुपये किलो। और गुजरात का ख्याति आलू बिका किसान भाइयों 10 से लेकर 11 रुपये किलो। और गुजरात का पोखराज बिकाया 8 से लेकर 10 रुपये किलो। और गुजरात का LR बेफर पास बिकाया आपका 12 से लेकर 17 से लेकर 19 रुपये किलो। और नासिक का ज्योति आलू जो नया आ रहा है नासिक का आलू वो है 12 से लेकर 13 रुपये किलो। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि इस समय बंगाल से काफ़ी आपके लिए सनसनीखेज खबर आ रही है। बंगाल में विस्फोट हो चुका है, बंगाल में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनने के चांस लग रहे हैं और बंगाल के किसान भाइयों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्योंकि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो रूमर उड़ाया गया था व्यापारी द्वारा या जो कुछ XYZ कि बंगाल में भी पैदावार बम्पर है कुछ है, तो ऐसा भी अनुमान नहीं जताया जा रहा है। बंगाल में भी कुछ गड़बड़ होते हुए हमें दिख रहा है क्योंकि बंगाल में डंप थी वो कहाँ गई, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो डंप थी वो कोल्ड में डाल दी गई हैं, खरीद खरीद के कोल्ड में डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनको खुद ही लग रहा है कि अब कोल्ड नहीं भर पाएंगे, इस वजह से डंप को खरीद के ही कोल्ड में डाल रखा है। तो ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इस वजह से तुम्हारे बिहार झारखंड और तुम्हारे उड़ीसा असम इस जगह से तो डिमांड आई है क्योंकि जो नॉर्थ बंगाल से आलू जाना चाहिए वो कोल्ड में खरीद के डाल दिया उन्होंने, तो फिर आलू की डिमांड पे पूरी कैसे होगी। और बंगाल से एक और अच्छी खबर ये है कि जब डंप ही नहीं बची है, डंप 50% खत्म हो चुकी है, तो आलू वहाँ पर चाहिए 2.5 महीने तक, लेकिन आलू 1 महीने चलेगा तो 1.5 महीने का आलू आएगा कहाँ से। या तो कोल्ड जल्दी खोलो या फिर यूपी से आलू लेके आओ तो यूपी के किसानों को भी पैसा दो। तो फिलहाल यही है कि यूपी के किसान या कहीं के भी किसान हो हर किसान को पैसा अच्छा खासा मिल रहा है और मिलेगा। तो हम आपके साथ हैं और हर पल पल की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो रियल फार्म एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विकास गौड़, नमस्कार, थैंक यू।